95 रुपए में हर आइटम मिल रहा था, तो उसमें कई सारे लेडीज आइटम थे, शर्ट्स दिखी जो कि 350 रुपए सेल में शर्ट बिकनी थी, तो काफी अच्छे ब्लेजर थे। 500 रुपए वाला ब्लेजर भी काफी अच्छा था क्वालिटी वाइज। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम घूमने जा रहे हैं जनपद मार्केट। मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुका हूं मैं, जनपद मेट्रो स्टेशन पे हूं, देख सकते हैं ये मेरा दोस्त खड़ा है। तो यहां से अभी निकलेंगे हम गेट नंबर 2 से, बाहर मार्केट पड़ेगी। गेट नंबर 2 से निकलते हैं तो बाहर मार्केट दिख जाएगी और आगे जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और चलते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं क्या सीन रहता है उसका। सरोजिनी नगर जैसी मार्केट लगती है, सस्ते सस्ते गारमेंट जो भी मिलते हैं पूरी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा क्या सीन है उसका। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर। जनपद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से हमने एग्जिट किया, तो एग्जिट करते ही हमने बाहर देखा कि कुछ सामान बिक रहा था जो कि सन ग्लासेस और बैग्स वगैरह और जो कि सजावट का सामान था। उसके बाद हम बाहर दुकान में हमने देखी तो दुकानों पे भी लेडीज़ आइटम बहुत सारा मिल रहा था। उसके बाद हम आगे गए तो हम मार्केट में हमने देखा कि 350-300 रुपये में सूट की सेल लगी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छे सूट थे। उसके बाद हमें जैकेट दिखी जो कि 700 रुपये सेल में बिक रही थी, काफ़ी अच्छी जैकेट। जैकेट के हिसाब से प्राइस इनका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाइज जैकेट बढ़िया थी। उसके बाद हम और आगे गए तो और जैकेट दिखी हमें जो कि 500 रुपये सेल में मिल रही थी, वो भी जैकेट काफ़ी अच्छी थी 500 रुपये सेल वाली। उसके बाद आगे गए तो हमें वहाँ पे ब्लेज़र वगैरह दिखे, कोट जो कि सब में सस्ता जो कोट था 500 रुपये में देखने को मिल रहा था, 700-1000 तक भी थे, तो काफ़ी अच्छे ब्लेज़र थे। 500 रुपये वाला ब्लेज़र भी काफ़ी अच्छा था क्वालिटी वाइज। और उसके बाद हम आगे गए तो हमें जैकेट की सेल दिखी जो कि वर्सिटी जैकेट और नॉर्मल कई तरह की जैकेट थी, इनका प्राइस अलग अलग था, 400 से लेके 1000 रुपये तक का इनका प्राइस था। उसके बाद हमें शर्ट्स दिखी जो कि 350 रुपये सेल में शर्ट बिकनी थी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शर्ट है यहाँ पे, इनकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद हमें कुछ जैकेट दिखी और टी शर्ट दिखी जो कि 150 रुपये में मिल रही थी, लोअर वगैरह भी वहाँ पर बिक रहे थे जो कि 150 से 200 में बिक रहे थे। उसके बाद हमें ये कुछ टोपे देखे जो कि 50 रुपये सेल में वहाँ पे बिक रहे थे। मार्केट में और आगे गए तो हमें ये टी शर्ट दिखाई दी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी क्वालिटी में, इनका प्राइस 200 रुपये था। और फिर हम आगे मार्केट में गए तो हमें एक शॉप मिली जिसमें 95 रुपये में हर आइटम मिल रहा था, तो उसमें कई सारे लेडीज़ आइटम थे। तो उस दुकान में हम गए नहीं, बस बाहर से हमने देखा बहुत सारे लेडीज़ आइटम थे जो कि 95 में मिल रहे थे। फिर हम आगे बढ़े तो हमें ये कुर्तीज़ दिखाई दी सूट वगैरह जो कि 300 रुपये सेल में वहाँ पे मिल लेते और बाकी अलग अलग प्राइस भी सूट के हिसाब से था, आप बार्गेनिंग कर सकते थे। उसके बाद हमें ये कुछ घर के डेकोरेशन का सामान दिखा एक दुकान में जो कि अलग अलग रेट में मिल रहा था। उसके बाद हम आगे गए तो ये लड़कियों के लिए एक कुंडल या झुमके वगैरह मिल रहे थे 50 रुपये सेल में और कुछ सजावट का घर का आइटम मिल रहा था। उसके बाद हमें ये शर्ट दिखी जो कि 300 रुपये सेल में मिल रही थी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये लड़कियों के लिए पैंट्स वगैरह दिखी जो कि काफ़ी अच्छी थी, इनका प्राइस 500 से लेके 1000 रुपये था, और बढ़िया पैंट थी। हम आगे बढ़े तो 400 रुपये सेल में हमें ये बर्तन वगैरह दिखे, पीतल के बर्तन थे, 400 रुपये में कोई सा भी आप ले सकते थे। उसके बाद हम आगे गए तो हमें और चीज़ें मिली जैसे कि ये स्वेटर जो कि आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, और रेट इनका मैं बता दूँ तो 350 रुपये और 400 रुपये में ये मिल रहे थे स्वेटर जो कि जेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि कुछ जैकेट मिल रही थी जिनका प्राइस 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये तक था, बाकी अलग अलग प्राइस थे जैकेट के हिसाब से जो जैसी उनकी क्वालिटी थी, और अब इनसे बारगेनिंग भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे रेट में आपको ये पड़ जाएंगी। फिर आगे हम गए तो ये लेडीज़ का कुछ आइटम दिखा जो कि उस जर्सी वगैरह थी, ये भी काफ़ी अच्छे रेट में मिल रही थी, बारगेनिंग करोगे तो आपको सही मिल जाएगी, बाकी महंगा वो आपको बताएंगे। जैसे हम आगे बढ़े तो हमको ये देखने को मिली फर्दर जैकेट, लेडीज़ फर्दर जैकेट थी जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी दिख रही थी, और इनका प्राइस जो था 500 से लेके 1000 रुपये का था फर्दर जैकेट का, और बाकी अलग अलग रेट में ये मिल रही थी, अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको अच्छे रेट में मिल जाएगी। और आगे बढ़े तो हमको ये वर्सिटी जैकेट, हुडी, लॉन्ग कोट ये सब वहाँ पे दिखाई दिए जो कि ये भी अलग अलग रेट में वहाँ पर मिल रही थी। फिर हम अगली दुकान के लिए बढ़े तो हमें वहाँ पे ये दुकान में हुडी दिखी, काफ़ी अच्छी अच्छी हुडी मिल रही थी अच्छे प्राइस में जो कि 400 रुपये सेल में सारी हुडी बिक रही थी, और भी हुडी थी जो कि अलग अलग रेट में भी थी, और साथ में ये लोअर भी देखने को मिल रहे थे जो कि 150 से 200 रुपये में वहाँ पर मिल रहे थे। उसके बाद हम आगे गए तो ये हमें कुछ काली सी मूर्तियाँ दिखी जो कि अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, अलग अलग रेट था इन सभी का, और बाकी हमने देखा वहाँ पे और कुछ लेडीज़ आइटम वहाँ पे मिल रहे थे, और यहाँ पे लेडीज़ आइटम ही ज़्यादा मिल रहे थे मार्केट में। फिर हम आगे बढ़े तो हमें ये मुखलर दिखाई दिए जो कि 100 रुपये सेल में बिक रहे थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुखलर थे जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी 100 रुपये के हिसाब से। उसके बाद हम आगे बढ़े तो फिर से हमें एक हुडी की दुकान दिखी जो कि 400 रुपये सेल में हुडी मिल रही थी, स्वेटर्स मिल रहे थे 300 रुपये में, काफ़ी अच्छी दुकान थी, इसमें लोअर भी मिल रहे थे जो कि 200 रुपये में गर्म लोअर देखने को मिल रहे थे, 650 रुपये में अच्छी जैकेट और
हुडी भी देखने को मिली। तो दोस्तों फाइनली हम मार्केट को कवर करके हम अपने मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं सीधे घर और ये हम गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन पे आके शूट कर रहे हैं, वहाँ पे हमने शूट नहीं किया था। तो मार्केट को हमने कवर किया, काफ़ी अच्छी मार्केट थी, छोटी थी पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, लेडीज़ आइटम वहाँ पर ज़्यादा मिल रहे थे, तो हमें तो बहुत बढ़िया लगी। बाकी आप देख कर बताना कैसी लगी आपको मार्केट, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही मार्केट की वीडियो लाते रहेंगे, और बाकी कमेंट जरूर करके ज़रूर बताने कि आपको ये मार्केट कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।